महादेव वह ब्रह्म है। सत्य और धर्म की स्मिता को बदलना न संताप के वश में है, न यात्रा के वश में और न ही आरोप के। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि आपके नेत्रों के ये अश्रु प्रसन्नता के नहीं है। क्या कोई मुझसे भूल हो गई? क्या कोई त्रुटि रह गई है मेरे कार्य में? नहीं पिताश्री, नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ। दुख के दुर्दन बीत गए पिताश्री, चलिए। ये महाराज केसरी के पुत्र हैं। मारो इन्हें, मत मारो। नहीं पिताश्री, नहीं, हट जाइए, मत रोकिए मुझे। आज मैं इसे मृत्यु दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। नहीं पुत्र, नहीं, इन्हें दंड देकर तुम विधि की दृष्टि में अपराधी मत बनो। समस्त घटनाओं का एक निश्चित समय है। यदि यदि समय के दास न होते तो मैं भी इनका दास न होता। नरोत्तम जी, दास तो हम दोनों ही हैं, अंतर तो केवल दृष्टि का है। अतएव पुत्र, ये क्षमा योग्य है। किसी के कर्मों का दंड समय और नियति पर छोड़ देना चाहिए पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज केसरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं जानता हूं कि पूर्णतः दोष आपका नहीं है, दोष उन परिस्थितियों का है और कुछ दोष उन कुत्सित विचार वाले मित्र का है। आपसे एक विनती है स्वामी। स्वामी कहकर लज्जित न करें महाराज। धर्म के पालन में लज्जा नहीं, गर्व होना चाहिए। आपसे एक विनती है, भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व धर्म और अधर्म की तुला में रखकर तौल लीजिएगा और अपनी आत्मा की सुनिएगा। आत्मा कभी अनुचित निर्णय नहीं लेती। आ, 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 आ,
हमें अपनी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए महाराज। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। पता नहीं मारुति अब तक लौटा क्यों नहीं। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है महाबलिका का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी समस्या से गिर गया हो। अंजना, मन को स्थिर करो, चित को शांत करो पुत्री। मारुति में तो संसार की समस्त समस्याओं का अंत करने की क्षमता है। वो आता ही होगा और फिर उसके साथ तो महाराज केसरी भी हैं। माँ, लो आ गया मारुति। मैं केसरी जल एवं समस्त पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपनी पत्नी अंजना को मन वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। आज से अभी से इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। क्या हुआ देवी अंजना, मुझसे मुख क्यों मोड़ लिया? धर्म पालन हेतु स्वामी, किस मुख से देखूं आपको, किस दृष्टि से सामना करूं आपका। परित्याग जो कर दिया आपने मेरा, मेरी उस भूल का इतना कठोर दंड मत दो मुझे। मैं क्षमा मांगता हूं तुमसे, क्षमा मांगता हूं। मैं जानता हूं जो मुझसे हुआ वो बहुत बड़ा अपराध था, किंतु मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि एक ओर तुम्हारा अमूल्य जीवन था और दूसरी ओर हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन थे। हमारा बंधन अक्षुण रहे इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना अनिवार्य था। बस अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी बलि कैसे चढ़ा देता। मेरे इतने निर्मम एवं कठोर निर्णय का यही कारण था। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता था अंजना, खोना नहीं चाहता था। अभागा, मेरे कारण तुम्हारे जीवन में संकट आया अंजना। तुम जो भी दंड दोगी वो स्वीकार है अंजना,
स्वीकार है। नहीं नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके चरणों की दासी हूँ। हमारा संबंध तो दो आत्माओं का संबंध है, और आत्माओं के संबंध को विच्छेद करने की शक्ति न शब्दों में है, न थी और न कभी होगी। भूल जाइए अतीत को। हमारा वर्तमान सुखद है और भविष्य और भी स्वर्णिम होगा। सही कह रही हो अंजना, तो सही कह रही हो। मेरे माता पिता पर इतना बड़ा दुर्दिन आया कि पिता को माता के जीवन रक्षा हेतु माता को त्यागना पड़ा। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? ये सब करने वाला हाँ मैं हूँ ये सब करने वाला। मैंने खंडित किया है सब कुछ। मैंने सुख, साम्राज्य, संबंध, सब कुछ मैंने खंडित किया है। और ये जानकर भी क्या कर लेगा वो मारुति मेरा? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं। देवी माया, अभी तक तो वो राहु के नाम से, केवल नाम से सूखे पत्ते के समान कांपना प्रारंभ कर दिया होगा। दुखों की मार एवं विपदाओं के प्रहार से ध्वस्त होने के पश्चात व्यक्ति को जुड़ने में, उठकर खड़ा होने में बहुत समय लगता है देवी माया, बहुत समय लगता है। देव राहु, मैं तो केवल आपको तथ्यों से अवगत करा रही थी ताकि आप किसी बड़े संकट में ना घिरे। मारुति से आप इससे पहले भी पराजित हो चुके हैं। तथा बुद्धिमानी इसी में है कि हम समय रहते यहां से चले जाएं एवं आपके विखंडन का और इन्हें धूल दूषित करने का कार्य तो पूर्ण हो ही चुका है देवराहु। नहीं नहीं माया, नहीं। अभी तो सही समय आया है, और अभी तुम यहां से निकल जाने को कह रही हो? अभी ही तो वो समय आया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अपनी पराजय का प्रतिशोध लूंगा मैं उस मारुति से। अभी कैसे जा सकता हूं मैं यहां से? हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। रुक जाइए महाबली काका, काका रुक जाइए, काका रुक जाइए, काका तनिक रुकिए। ये क्या अनर्थ का संकेत? निश्चय ही पिताश्री एवं काका के संबंध भी मधुर नहीं प्रतीत होते। उनके संबंधों के मध्य भी दुराव है, अर्थात प्रत्येक संबंध में विकर्षण, कड़वाहट। क्या कारण हो सकते हैं इन सब के पीछे? मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है देवराहु कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट करते करते आपकी स्वयं की ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरा कार्य था आपको सही राह दिखाना। बाद में ये ना कहिएगा कि माया ने समझाया नहीं। देवी माया, समझने समझाने का समय अब बीत चुका है। अब जो समय आया है वो युद्ध का समय है, और उस युद्ध में उस मारुति को पराजित करने का समय।
बस अब तुम देखती जाओ मैं उस मारुति की कैसी दुर्गति करता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं आपसे क्षमा मांगने का अधिकार खो चुका हूं। मैंने जो किया है उसका मुझे दंड दीजिए, किंतु मौन मत रहिए। मैं लज्जित हूं अपने किए पर, ग्लानी है मुझे, पश्चाताप भी है मुझे। मैं ये जानता हूं कि धनुष की प्रत्यंचा से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई वाणी कभी लौट कर नहीं आती। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस कृत्य से आपको गहरा आघात हुआ है। मैं सच कहता हूं, ये सब जो मैंने आपके साथ किया है, आपका अपमान, आप पर आरोप, आपका निष्कासन, अपनी चेतना में संभवता नहीं किया है, किंतु किया तो है मैंने। आपका पूर्णतः अधिकार है मुझसे रुष्ट होने का, मुझसे घृणा करने का। मित्र, मेरे इस अपराध का, मेरे द्वारा किए गए अधर्म का एकमात्र यही दंड है कि तुम्हारे हाथों में अपने प्राण त्याग दूं। मुझे क्षमा कर दो या मार दो। उठाओ अपनी गदा और मुझे तब तक मारो जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग देता। पिताश्री ने जामवन काका के साथ ये सब किया, इतना बड़ा अनर्थ। मुझे पश्चाताप करने का अवसर दो मेरे मित्र, पश्चाताप करने का अवसर दो, मुझे पश्चाताप करने का अवसर दो। मित्र केसरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने मित्र को दंड दूंगा, अपने उस मित्र को जो मेरा प्राण है? नहीं मित्र, नहीं, ना तो मैं तुमसे रुष्ट था और ना ही कुपित, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, अपितु उस कृत्य के मूल में तो कोई और है। मुझे दुख तो केवल ये था मित्र, तुमसे बिछुड़ने का, तुमसे अलग होकर मैंने कैसे दिन बिताए हैं ये मैं ही जानता हूं मित्र। मैं तो कब से तुमसे गले मिलने के लिए तड़प रहा हूं मित्र। इतने समय के पश्चात मिले हो, क्या तुम मुझसे गले नहीं मिलोगे मित्र? मित्र केशरी, मुझे उस दुष्ट राहु ने इस सुख से वंचित कर दिया था। राहु, उसने मुझे भाग्यहीन बना दिया महाबली काका। राहु ने मुझे भाग्यहीन बना दिया था श्री। राहु, राहु। पिताश्री, मारुति मेरे लाल, यहाँ आओ तो मेरे निकट।
नहीं आऊंगा। तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप लोग मुझे सत्य नहीं बताओगे कि वो कौन है जिसके कारण आप लोगों को इतने घोर संकटों का सामना करना पड़ा। आपका आपसे राज्य छिन गया। कौन है वो इन सब के मूल में? बताइए मुझे, बताइए किसके कारण मेरी माँ को मृत्युदंड की वेदी में आखड़ा होना पड़ा। बोलिए माँ, बोलिए पिताश्री, आज आप लोगों को मुझे सत्य बताना ही होगा। बताना ही होगा कि कौन है मेरी माँ के दुखों का कारण और पिताजी की यातनाओं का कारण। बताइए मुझे, बताइए। तुम्हारे समस्त प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही नाम है, एक ही कारण है, राहु। पाप ग्रह राहु। राहु, तो तुमने राहु मेरे माता पिता के जीवन को नर्क बना दिया। हाँ पुत्र, राहु के प्रकोप की कथा प्रारंभ होती है सूर्यलोक से। सूर्यलोक से? हाँ पुत्र, सूर्यलोक से। जब तुमने अपने गुरु सूर्यदेव को ग्रहण करने से उसको रोका था। तुम्हारे हाथों पराजित होने के बाद राहु ब्राह्मण भेष में हमारे राज्य में आ गया। और अपनी माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और उसके बाद प्रारंभ हुआ मेरे हाथों अधर्म, अन्याय और अनर्थ का कर्म। परम प्रतापी, महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। इससे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई पुत्र। उसने अपने छल से हमारे राज्य को हड़प लिया। और तदुपरांत सार्वजनिक रूप से बोली लगाकर उसने मुझे दास बना लिया पुत्र। हे पुत्र, जब मैंने उसकी शांति हेतु उपचार करने का प्रयास किया तो मेरे मार्ग में भी विविध प्रकार के रोड़े उपस्थित किए। शत्रु बन गया मेरा वो।
सर्वनाश। राहु सर्वनाश। राहु राहु सर्वनाश। अब तेरा सर्वनाश होगा। सर्वनाश। शीघ्र इसे दंड दीजिए और ऐसा दंड दीजिए कि समस्त संसार आपके न्याय को बरसों बरस याद रखे। देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो यह स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। राहु Thank you.
देवर्षि, अब क्या होगा? नारायण नारायण, देवेंद्र, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो केवल प्रभु विष्णु ही दे सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मात पिता है देव समान, जिन्हें कष्ट मिले तो सहा नहीं जावे। पुत्र वही जो माता पिता के कष्टों को अविलंब मिटावे। मारुति देख अस दुख पीड़ा, गर्वित राहु पे क्रोध दिखावे। आंसू के एक एक बूंद के बदला लेवे के खातिर पाव बढ़ावे। आंसू के एक एक बूंद के बदला लेवे के खातिर पाव बढ़ावे। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? श्री हनुमान ने तो अत्यंत ही घातक प्रण कर लिया है। प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान है। यदि उन्होंने राहु का समूल विनाश कर दिया तो विधि का विधान ही खंडित हो जाएगा। देवराजेंद्र, राहु ने जो घोर अपराध किया है उसका दंड मिलना उसे आवश्यक है। अन्यथा इस संसार में अधर्म के एक नए आरंभ की स्थापना हो जाएगी। वो क्या होगी प्रभु? वो होगा दिव्य शक्तियों के द्वारा अधर्म अथवा अन्यायपूर्ण कर्म, जिसका अधिकार अथवा अनुमति ना ही किसी देव अथवा देवतुल्य शक्तियों को है। नारायण नारायण, आपका कथन सर्वथा उचित है प्रभु, कि राहु को उसके कृत का दंड अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उसने प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है। किंतु भय तो इसी बात का है कि क्रोधवश श्री हनुमान राहु का समूल विनाश ना कर दें। पुत्र धर्म सर्वोपरि माना, अंजन देश चले हनुमाना। अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना, अंजन देश चले हनुमाना। देवों, हनुमान क्या करते हैं और क्या होने वाला है, इसका उत्तर तो आने वाला समय ही देगा। किंतु आप सब लोग ये मत भूलें कि हनुमान दिव्यतुल अवश्य है, उससे पूर्व एक पुत्र भी है, और उन्हें अपना पुत्र धर्म निभाने से ना ही हम उन्हें रोक सकते हैं और ना ही इस सृष्टि का कोई विधान। अतः जो घट रहा है उसे आप देखते जाइए, क्योंकि इस घटना से आने वाले समय के लिए नई मर्यादाएं एवं व्यवस्थाओं की स्थापना होगी। नारायण नारायण, राहु, यंचन प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। इस पावन धरती पर अधर्म कर तुमने जो पाप किए हैं, उन समस्त पापों का आज मैं तुझे दंड दूंगा। एक तिल बराबर पाप का भी दंड शेष नहीं छोड़ूंगा राहु। अब मुझे केतु की सहायता लेनी होगी। We'll be right back.
केतु, मुझे जिस निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा थी उस युद्ध का समय अब आ गया है। मेरे अधिकारों का हनन करके हनुमान ने जिस युद्ध की भेरी बजाई थी उस युद्ध के समापन के शंखनाद का समय अब आ गया है। बस अब एक अंतिम दाव और विनाश उस मारुति का, उस मारुति का जिसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी थी। केतु, अब या तो मारुति या हम। राहु, देवताओं के द्वारा हमें देवत्व प्रदान है, तो क्या ऐसा करना देवत्व के विरुद्ध नहीं है? नहीं, नहीं है विरुद्ध, क्योंकि देवताओं ने हमें वो देवत्व प्रसन्नता से नहीं बल्कि विवशता से प्रदान किया है। केतु, विवशता से। और दूसरी बात, देवताओं ने हमें केवल देवत्व प्रदान किया है, उस देवत्व का वो सम्मान प्रदान नहीं किया। जो स्थान हमें प्राप्त होना चाहिए था वो स्थान हमें प्राप्त नहीं हुआ केतु, इसलिए ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, ये युद्ध है वर्चस्व का, ये युद्ध है अस्तित्व का। केतु, अस्तित्व का। केतु, यदि हम अपनी प्रभुत्वता सिद्ध नहीं करेंगे तो इस संसार में हमें कोई प्राथमिकता नहीं देगा, कोई नहीं। और एक बात और अपनी स्मृति में रखना, यदि मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं नहीं तो तुम भी नहीं। अन्यथा परिणाम से अवगत हो। ठीक है राहुल, तुम चिंता मत करो, हमारा अस्तित्व अक्षुण है तथा सदैव अक्षुण ही रहेगा। अब तुम देखते जाओ, ये केतु ऐसी माया रचेगा, ऐसी माया रचेगा कि वो वानर बालक अपने ही महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पता नहीं ये दोनों जो कर रहे हैं उसका क्या निर्णय निकलने वाला है। राहु के लिए कुछ भी करूंगा। ये क्या, यहाँ तो अभी द्वार था, ये अचानक दीवार कहाँ से आ गई? ये केतु की माया है मारुति, जो दिखता है वो होता नहीं
तथा जो होता है वो दिखाई नहीं देता। द्वार है वहाँ दीवार आ जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ दीवार है वहाँ द्वार होना चाहिए। मारुति, आज तुम केतु के माया जाल में पूर्णतया उलझ चुके हो। हमारे माया जाल से नहीं निकल पाओगे, इससे पार पाना असंभव है, नितांत असंभव। मुझे इस माया जाल को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। महल में प्रकाश क्यों नहीं है? ये अंधकार केतु की माया है मारुति, केतु की माया। ये प्रबल संकेत है उस अंधकार का, जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन को आच्छादित करने वाला है। और ऐसा करूंगा मैं करूंगा मारुति, मैं। अच्छा, तो राहु के पाप कर्मों में तुम भी सम्मिलित हो केतु। तो अब आज राहु के साथ साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। मारुति, पहले स्वयं तो बचो, क्योंकि मुझे दंड देने हेतु तुम्हें स्वयं को सुरक्षित रखना आवश्यक है मारुति। देवर्षि, अब क्या होगा? केतु ने तो प्रभु को अपनी माया में उलझा लिया और उन्हें इस अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये केतु उन पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। नारायण नारायण, गंधर्वराज
श्री हनुमान अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। उनके मन में इतना प्रकाश है कि वे संपूर्ण संसार को आलोकित कर सकते हैं, तथा केतु द्वारा उत्पन्न यह अंधकार उनके समक्ष एक ओस की बूंद के समान है, जो सूर्य देव की प्रथम किरण पड़ते ही विलुप्त हो जाती है। वो देखिए, नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिनी को अंतर तपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे, भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। तो अतुल बलशाली है, यदि मैं यहाँ एक क्षण भी रहा तो राहु से पहले मेरा अंत निश्चित है। मारुति, मेरा अहित तुम्हारे लिए एक दिवा स्वप्न है। नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी मेरा, नहीं कर पाओगे। और यदि मुझे इस राज्य से, इस अंजन प्रदेश से मुझे जाना भी पड़ा तो मैं इसका विनाश करके जाऊंगा, विध्वंस करके जाऊंगा मैं। राहु हूं मैं, राहु जिसके नाम से काल भी विख्यात है, राहु काल। पापी राहु, दुराचारी राहु।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ही माया है, क्योंकि ये सर्प तुम्हारे आदि देवता है, अन्य किसी के नहीं। और तुम्हारे ऐसा करने का कारण भी मैं जानता हूँ। मंशा है तुम्हारी अपनी ओर से मेरा ध्यान विचलित करने का, किंतु तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम मेरा ध्यान अपनी ओर से विमुख नहीं कर पाओगे राहु। केवल सफल होगा तुम्हारे दंड की प्रक्रिया। दंडित करूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखना तू। अभी हितकर होगा यहाँ से निकल जाना ही। आज मैं विधि विधान के अनुसार बजरंग बाण का निर्माण करने जा रहा हूँ। कैसे बच पाओगे उस अचूक बाण से? केतु, संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो राहु को शक्तिहीन कर सके।